हेलो एवरीवन माय नेम इज चंदन एंड आई एम योर कंप्यूटर मैंटोर फ्रॉम रजोन पी पी जूनियर डिवीजन सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट आर दी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेटा क्या होता है और डेटा में डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डेटा में डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है ठीक है तो अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है कि रिलेशनल डेटा क्योंकि रिलेशनल आर डी को पढ़ने से पहले एक टर्म को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि रिलेशनल डेटाबेस आखिर होता क्या है तो रिलेशनल डेटाबेस के बारे में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो डेटाबेस के अंदर जो टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर हो रहा था तो वहाँ पर एक टेबल तो होगी नहीं वहाँ पर अलग अलग टेबल्स होती है तो उन टेबल्स के बीच में जब एक यूनिक आई के थ्रू हम रिलेशन क्रिएट करते हैं और किसी डेटा को फाइंड करते हैं तो वहाँ पर रिलेशनल डेटा एक क्रिएट हो जाता है ओके okay? सो so, हम रिलेशनल आर के बारे में पढ़ते हैं रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि ये आखिर ये होता क्या है तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट टाइप्स के टेब टेबल्स को जिनमें डेटा स्टोर है उन डेटा को स्टोर करने रिट्रीव करने के लिए बेसिकली काम में आता है ओके तो आर डी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं रिलेशनल मीन्स इस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन टू और मोर टेबल्स ओके दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करना जो है रिलेशन का मतलब हो गया ठीक है इनर ऑफ अर डेटाबेस डेटाबेस की आर डी बी एम एस इज अ रिलेशनल डी बी एम एस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच टेबल्स आर लिंक टू ईच अदर बाई फील्ड्स अच्छा हमने लास्ट टेबल टेबुलर फॉर्मेट में फील्ड्स के बारे में पढ़ा था तो जो डेटाबेस है जो आर डी बी एम एस है वो डेटा बेस आखिर कैसे क्रिएट कर रहा है बाई लिंकिंग द फील्ड्स फील्ड्स के थ्रू वो डेटा जो है एक दूसरे से लिंक है आर डी बी एम एस हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अ डेटा बेस इन अ ब्रॉडर वे जब हमें एक से ज़्यादा टेबल से या बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जब एक्सेस करना होता है तो आर डी बी एम एस हमें ब्रॉडर वे में हेल्प करता है उसे मैनेज करने को ओके अ रिलेशनल डेटा बेस इज डिफाइंड एज अ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज इन टू टेबल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो कि टेब, टेबल टेबुलर फॉर्मेट में हो टेबल्स में हो रिकॉर्ड्स में हो या फिर किसी कॉलम में स्टोर हो ठीक है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अ रिलेशनल डेटाबेस यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एस क्यू एल ओके रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस आर डी बी एम एस क्या करता है किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक्सेस करने के लिए एक क्वेरी का यूज करता है जिसे हम नॉर्मली एस क्यू एल बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसे कहते हैं जिसका यूज एक एप्लीकेशन है अनुप्रयोग बोल सकते हैं दैट प्रोवाइड्स एन ईजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटा बेस इंटरेक्शन डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है रिलेशनल डेटाबेस जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल ली हुई है जिसमें दो टेबल्स हैं ओके टेबल वन एंड टेबल टू ये आपकी टेबल वन हो गई और टेबल टू इसमें दो दो रिकॉर्ड्स ही मैंने इंसर्ट किए हैं लेट सपोज टेबल वन क्या क्या कंटेन किए हुए हैं नेम कंटेन किए हुए है और डेजिग्नेशन कंटेन किए हुए है ठीक है सेम उसी तरह टेबल जो है एम्प्लॉई कोड भी कंटेन किया हुआ है सैलरी कंटेन की हुई है और पीएफ कंटेन किया हुआ है ठीक है ये उसकी डिटेल्स कंटेन की हुई है अब यहाँ पर आप टेबल वन और टेबल टू में एक यूनिक आइडेंटिटी देख रहे होंगे जो दोनों में सेम होगी वो क्या है अपना एम्प्लॉ कोड तो टेबल वन के लिए जो एम्प्लॉ कोड है जो यूनिक आईडी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन फील्ड जो है वो एम्प्लॉ कोड है तो टेबल वन के लिए जो एम्प्लॉ कोड यूनिक आईडी है इसे मैं कह सकता हूं प्राइमरी की ओके इसे हम कहेंगे प्राइमरी की लेकिन सेम की जो टेबल वन में यूज हो रही है वो अगर टेबल टू के अंदर सेम टर्म पर यूज होती है तो उस वो प्राइमरी की यहां आकर बन जाती है फॉरेन की ओके, टर्म बन जाती है पर फॉरेन की। अब इन दोनों टेबल्स के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं हम लेट सपोज हमने एल लिंक क्रिएट करी ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू होता है और डेटाबेस यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका मैनेजमेंट सिस्टम उसके थ्रू आप लिंक क्रिएट करते हो तो लिंक आपने किस लिए क्रिएट करी ताकि आप एक ही आईडी से एक आईडी के थ्रू आप पूरा डेटा आप दोनों टेबल्स को लिंक करके पूरा डेटा एट अ टाइम पर शो कर सको अब वो जो टेबल्स हैं वो आपकी कितनी भी हो सकती है अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ दो का एग्जाम्पल लिया है तो जैसे ही मैं इस एम्प्लॉय कोड के थ्रू एस के थ्रू एक डेटा सर्च करूँगा इस एम्प्लॉय कोड का तो मुझे जो है एज अ रिपोर्ट जो है उसका नेम भी मिल जाएगा उसका डेजिग्नेशन मिल जाएगा साथ में सैलरी पी एफ जितनी भी डिटेल्स आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टोर होती है वो सब एट ए टाइम पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी किसके थ्रू एस के थ्रू अब हम कुछ डेटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बेसिकली आपको डेटा को एक्सेस करने के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं तो कुछ डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जैसा पहला ऑब्जेक्ट टेबल टेबल्स के बारे में आप जानती हैं कि रो और फील्ड की फॉर्मेट में होती है और ये जो है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है ओके द टेबल इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा बेस इन विच डेटा कीप्ड इन कॉलम्स एंड रूल ओके इट एक्ट्स एज अ कंटेनर विच स्टोर्स डेटा परटेनिंग टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा को जो है स्टोर करने के लिए टेबल काम में आती है ओके नाउ सेकेंड आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है क्वेरीज अच्छा हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एस के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है तो किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज काम में आती है सेम वही ये क्वेरी है क्वेरी क्या है अ कॉल और अ रिक्वेस्ट टू जनरेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल्स इज कॉल्ड क्वेरी जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया कि जो एम्प्लोई कोड था इस एम्प्लोई कोड के थ्रू हमने पूरी डिटेल्स जो है एक साथ हम एक्सेस कर पा रहे हैं इनर मैनेजमेंट सिस्टम तो वो सब क्वेरी के थ्रू ही हुआ ओके सो क्वेरी क्या है अ कॉल और अ रिक्वेस्ट टू जनरेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इज कॉल्ड क्वेरी इट इज द बेसिक टूल फॉर रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा बेस ओके एक बेसिक टूल है जिसके थ्रू आप हाँ जो है डेटा को रिट्रीव कर सकते हो नाउस थर्ड आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है फॉर्म फॉर्म क्या है फॉर्म प्रोवाइड्स एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट टू व्यू द डेटा और एंटर न्यू डेटा और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फॉर्म क्या है फॉर्म एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो कि आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र इंटरफेस क्यों प्रोवाइड करवा रहा है ताकि आप उसमें एक न्यू डेटा एंटर कर सको या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसे आप व्यू कर सको ओके या फिर किसी रिकॉर्ड को अगर आपको चेंज करना है उस डेटा में तो आप वो मॉडिफाई कर सको ओके नाउ लास्ट टर्म है आपकी रिपोर्ट्स ओके अब रिपोर्ट्स क्या है रिपोर्ट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्मेट एज पर यूजर्स नीड जिस भी फॉर्मेट के अंदर यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस एज पर नीड जो है रिपोर्ट उसे डिस्प्ले करवा देती है डेटाबेस के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इट इज़ यूज टू व्यू एंड प्रिंट द इंफॉर्मेशन अब रिपोर्ट्स किस काम आती है डेटाबेस के अंदर जो डेटा है जो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है उसे या फिर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाने के लिए रिपोर्ट्स जरूरी होती है ओके okay, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू